मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित सरस मेला 2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बातचीत कर उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना की, साथ ही खरीदारी भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच प्राप्त होता है, साथ ही ये मेला देश भर में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। सरकार अब तक 1,00,000 महिलाओं को लखपति दीदी बना चुकी है। जिस दिन हमारा राज्य 25 साल का होगा, उस दिन तक हम 1,50,000 महिलाओं को लखपति दीदी बना देंगे। उन्होंने महिलाओं के बनाए उत्पादों की बिक्री के लिए प्रदेश भर में आउटलेट खोलने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं शानदार काम कर रही हैं और इसी क्रम में सरस मेला स्थानीय उत्पाद और लोक संस्कृति को मंच दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। कोरोना काल में स्वयं सहायता समूहों को 84 करोड़ की सहायता दी गई, 43,000 सक्रिय समूहों को 51 करोड़ की सहायता मिली। राज्य भर में 67,000 स्वयं सहायता समूहों से 5,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 53,000 स्वयं सहायता समूहों को ऋण भी दिया गया। 24 ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की गई। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जिनके निमित्त ये सरस मेले आयोजित होते हैं, ऐसी हमारी सभी स्वयं सहायता समूह से आई हुई सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें और विभिन्न विभिन्न प्रदेशों से और जिलों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, जिनके बारे में घोषक जी ने बताया कि अनेक अनेक प्रदेशों से लोग इस सरस मेले में प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण उद्यमी भाई बहने, मैं इस अवसर पर हमारे पत्रकार मित्र छायाकार बंधु आप सभी का इस सरस मेले में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस सरस मेले के माध्यम से आप सभी के बीच में आकर निश्चित रूप से आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जब एक एक स्टॉल पर हम यहाँ से देखते हुए आए, एक से शानदार और शानदार ही नहीं जानदार। जब मैं पैकेजिंग देख रहा था, हमारे अचार की पैकेजिंग, अन्य सामानों की पैकेजिंग, और जब बहनों ने मुझे अरसा खिलाया, एक बहन ने मुझे जो है मेरे गले में अच्छा सा बनाया हुआ पट्टा डाला,